नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल वी के प्रोडक्शन में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं द 100 मैन लीग में होने वाले दूसरे लीग मुकाबले की। जी हाँ दोस्तों, अब से लगभग लगभग 17 घंटे के बाद ये मुकाबला खेला जाने वाला है। BPH वर्सेज LNS के बीच में ही होगा। बिर्मिंघम फोनिक्स वर्सेज लंदन स्प्रिट के बीच में ये दूसरा मुकाबला खेला जाने वाला है। काफ़ी रोमांचक मुकाबला देखने को आपको मिल सकता है, बिकॉज यहाँ पर दोनों ही टीमें काफ़ी सशक्त हैं, मतलब कि काफ़ी मजबूत हैं। 100 बॉल्स का मुकाबला होगा तो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, बिकॉज काफ़ी चौके छक्कों की बारिश आपको नज़र आ सकती है। तो हम फाइनली इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि पिच रिपोर्ट कैसी रहेगी, दोनों ही टीमों के जो टीम न्यूज़ है वो उस पर डिस्कस करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट कीज प्लेयर पे डिस्कस करेंगे और हमारी प्लेइंग 11 पे भी हम डिस्कस करेंगे, और फाइनली चुनेंगे हम अपने टॉप 11 फैंटसी पिक्स जो आपको ड्रीम 11 में या फिर किसी भी अदर फैंटसी प्लेटफॉर्म में एक अच्छी विनिंग करवा सकते हैं। ओके दोस्तों, सो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल VK प्रेडिक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट ताज़ा अपडेट पाने के लिए। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल VK प्रेडिक्शन, इसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेड टू हेड के लगभग सभी पॉसिबल टीम्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ओके सो अगर लिंक के थ्रू नहीं ज्वाइन होता है तो डायरेक्ट सर्च कीजिए टेलीग्राम पे VK प्रेडिक्शन और हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए। ओके तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें दोस्तों दोनों ही टीमों के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे और पिच रिपोर्ट के बिहाफ पे, तो पहले प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे ही बात कर लेते हैं। देखिए BPH वर्सेस LNS के पहले मैच की पूरी डिटेल्स हम आपको यहाँ पे देंगे। तो देखिए दूसरा मुकाबला है जो कि खेला जाएगा वही 11 बजे, और ये मुकाबला होगा एडजवेंस्टन बर्मिंघम में। अगर पिच रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ पर बात की जाए तो ओवल से ग्राउंड है यहाँ पे, T10 मतलब कि 100 बॉल्स के जितने भी मैच हैं वो सब ओवल से के ग्राउंड्स में खेल रहे जा रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं यहाँ पे बैट्समैन को, बिकॉज यहाँ पे बाउंड्रीज को भी छोटी होती हैं, और हाईएस्ट रन चेस्ट जो यहाँ पे हुआ है इस ग्राउंड पे वो 191 का हुआ है, वो भी नॉर्थ के अगस्त हुआ है, वारविक सेयर ने किया था। लोएस्ट डिफेंड जो था 164 रन का हुआ था धूरम ने जो है 164 डिफेंड किए थे अगेंस्ट वारविक सेयर के बीच में, वारविक सेयर के बीच में किए थे। लास्ट 10 मैचों में अगर देखा जाए तो इस ग्राउंड पर 6 मैच जो हैं चेस करने वालों ने जीते और 4 डिफेंड करने वालों ने जीते, मतलब बैटिंग पहले कर लिया बॉलिंग बाद में कर लें इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 60-40 का एवरेज रहने वाला है बॉलिंग बैटिंग में। फिलहाल जो भी करेगा वो पहले चेस करने के सोचेगा मेरे अकॉर्डिंग, टेस्ट के ऐसा मुझे लगता है। पिच देखिए अगर इस पूरे प्लान मैच की बात की जाए इस ग्राउंड में टोटल तो 72 मैच खेले गए हैं इस ग्राउंड पे, 39 जो है पहले बैटिंग करने वाले जीती है 32 बाद में, और एक टायर आता है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पहले बैटिंग कौन करते, लेकिन फिर भी चेस करने वालों को 100 लीग में ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। एवरेज स्कोर इन फर्स्ट बैटिंग देखें तो 162, हाइस्ट स्कोर वारविक सेयर है 242 पे 2, और लोएस्ट स्कोर भी इसी टीम का है 63 पे 10। स्कोरिंग पैटर्न की अगर बात की जाए तो देखिए बिलो स्कोर यहाँ रहते हैं 150 बार, 160 के बीच में 24 बार रहा है जो कि सबसे ज़्यादा अभी तक, एंड स्कोर बीट में 170 से 189 के बीच में 11 बार, और 190 15 प्लस जो है 15 बार। तो यहाँ पर मुझे लगता है 150 से 170 के बीच में ही स्कोर रहने वाला है। चलिए वेदर रिपोर्ट की अगर यहाँ पे बात कर लें तो 26 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, तो 10% ही चांस होते हैं बरसात होने के, इतने वरना कोई मुझे नहीं लगता कि बरसात होने वाली, तो वेदर रिपोर्ट तो ओके मुझे लगता है यहाँ पे। टॉस प्रोडक्शन की अगर बात की तो वही बात है कि जो पहले टॉस जीतेगा बॉलिंग करने के डिसीजन लेंगे, बिकॉज चेस करना पसंद करेंगे यहाँ पर, तो वही बात मैंने यहाँ पर भी आपको समझाई है। चौथी लाइन में आप देख सकते हैं चौथा नोट जो है, पांचवें नोट में देख लीजिए टीम न्यूज़ हैं दोनों टीमों की। तो देखिए बर्मिंघम फोनिक्स की कुछ न्यूज़ हैं, जैसे कि मोइन अली जो है लीड करेंगे टीम को, 16 मेंबर का स्क्वाड जो है रेडी है इस मैच के लिए, और मतलब 16 स्क्वाड की टीम है। अभी फाइनल प्लेइंग 11 क्या होगी वो आपको तो फाइनली लाइनअप के बाद ही पता चलेगी। और लंदन स्प्रिट में देखिए ईरान मॉर्गन लीड करेंगे टीम को, 15 स्क्वाड की टीम होगी, 15 मेंबर के स्क्वाड होगा।
हाँ देखिए, BPS जो वर्सेस LNS की अगर प्लेइंग 11 की बात की जाए, बर्मिंघम फॉनिक्स की प्लेइंग 11 पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको नज़र आएंगे डैनियल वेल्टरमाउंट, टॉमिक सिल्वे, लिविंगस्टोन, टॉम एवल, मोइन अली, क्रिस वॉक्स, क्रिस कुक, फिन एलन, पैट्रिक ब्राउन, एडम मिलने एंड इमरान ताहिर। और अगर लिंडन स्प्रेड की बात की जाए उनकी प्लेइंग 11 गेम, तो देखिए जेट क्लर्ब है, यान मॉर्गन, दोनों ही खतरनाक हैं, डैन लॉरेंस, रवि भोपारा, ये दोनों ऑलराउंडर बहुत अच्छे हैं, लुइस रीस, जॉय डॉनली भी आपको मिलेंगे, मोहम्मद नबी, थाईलैंड ऑलराउंडर्स, मुझे लगता है यहाँ पे ऑलराउंडर्स की भरमार है, जे लिंक्स, सीवुड, मोहम्मद आमिर एंड मार्क वुड जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी आपको दोनों ही टीमों की तरफ से मिल रहे हैं। तो काफ़ी दोनों मजबूत हैं दोनों की टीमें, लेकिन मुझे लगता है लंदन स्प्रिट यहाँ पे थोड़ी सी मजबूत है, लेकिन अच्छे वो ऑलराउंडर आपको वहाँ भी मिल जाएंगे बर्मिंघम में, जैसे कि इमरान, क्रिस बॉक्स हो गए, मोइन अली हैं, लिविंगस्टोन है। तो ऐसा नहीं है कि बर्मिंघम कमज़ोर है, दोनों ही टीमें मजबूत है, अरसा मजबूत हैं। चलिए बात करते हैं दोनों ही टीमों की प्लेयर्स की बात कर लेते हैं एक बार। तो बर्मिंघम फॉनिक्स के अगर की प्लेयर्स की बात की जाए दोस्तों, तो ये यहाँ पे नंबर वन पे आते हैं डोमिक सिल्वे, लैम लिविंगस्टोन, मोइन अली, क्रिस बॉक्स, ठीक है, तीनों ऑलराउंडर आ गए। एडम मिल रहे हैं, ये भी एक ऑलराउंडर का काम करते हैं, बॉलिंग बैटिंग दोनों ही धमाकेदार कर सकते हैं, तेज तर्रार रन, इमरान ताहिर प्लस जो तो महान है, आप जानती हैं किस गेंदों में क्या कर सकते हैं। लंदन स्प्रिट की बात की जाए, जेट कलर पर ओपन करते हुए नजर आएंगे यान मॉर्गन के साथ, मुझे ऐसा लगता है, रवि भोपारा, मोहम्मद नबी, क्रिस बूट एंड मार्क बूट। तो ये रहेंगे हमारे लंदन स्प्रिट के की प्लेयर्स हैं। तो ये तो ओवरऑल पूरा वही खाता था, पूरी प्रोफाइल थी प्लेयर्स की, कैसी पिच रिपोर्ट रहेगी, बैटर कंडीशन कैसी रहेगी, की प्लेयर्स कौन से हैं, टीम की न्यूज़ भी आपको बता दी है, और टॉस कौन जीतेगा तो क्या लेगा एप, और सब कुछ आपको डिटेल्स में बताया दोस्तों इसमें। सो आई होप आपको अच्छी लगी होगी अभी तक की प्रोडिक्शन। तो चलिए इसी के बिहाफ पे जो है हम टीम का चयन करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे एज अ विकेट कीपर मुझे लगता है एक ही नाम है, जे लिंक्स, ओपन करते हुए भी नज़र आ सकते हैं LNS की तरफ से, और एक बढ़िया विकेट कीपर और बढ़िया बल्लेबाज है। तो यहाँ पे देखिए लिंक्स को लीजिए, बेटर रहेगा। बैटिंग सेक्शन में देखिए, बैटिंग सेक्शन में यहाँ पे लेना चाहूँगा यान मॉर्गन एंड जे डेनली को, दोनों ही खतरनाक है। डी वेल डुरम काफ़ी तेज तर्रार खेलने वाले हैं, ये भी ओपन कर सकते हैं BPS की तरफ से। तो BPS की तरफ से डी वेल डुरम काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला है। डी लॉरेंस LNS की तरफ से आपको नज़र आएंगे, एंड यहाँ पे रवि बोपारा भी हैं, डी सिल्वे आपको खेलते हुए नज़र आ सकते हैं, जेट क्लर्वे एक अच्छी ऑप्शन है, एंड एफ एलन को भी आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे अच्छे बैट्समैन मिल रहे हैं, मैं खुद कन्फ्यूज हूँ कि किसे लूँ किसे नहीं, सभी तो अच्छे हैं चले, लेकिन देखना पड़ेगा ये सब खेलते हैं क्या नहीं, कौन बहुत से खिलाड़ी ऐसे जो नहीं खेलेंगे। फिलहाल देखिए नबी, मोइन अली, इन दोनों को खिलाना पड़ेगा, बैटर हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, और अगर ये दोनों खेलते हैं तो लिविंगस्टोन को भी आप नहीं छोड़ सकते हैं, लिविंगस्टोन खेलेंगे तो मॉर्गन को मैं यहाँ पर ड्रॉप करके लिविंगस्टोन को लेना चाहूँगा, बिकॉज मॉर्गन का बीच का आप देख ही सकते हैं उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। अगर बात करें बॉलिंग सेक्शन में देखिए, इमरान ताहिर को मैं लूँगा, क्रिस बॉक्स को लूँगा, और मार्क वुड को मैं अपनी टीम में लेना चाहूँगा। वैसे ऑप्शन तो और भी हैं, मोहम्मद आमिर हैं, एडम मिलने हैं, और एंड सी वुड हैं, तो ऑप्शन तो बहुत हैं बट सबको आप ले नहीं सकते हैं। तो अभी तो ये डेमो टीम है, मैं इसके साथ जाना चाहूँगा, इसे सेव करके रख लेते हैं। एज अ कैप्टन में देना चाहूँगा लिविंगस्टोन, लियाम लिविंगस्टोन, वाइस कप्तान मोइन अली के साथ में जाना चाहूँगा, दोनों ही खतरनाक हैं, अभी इसे सेव करके रख दीजिए, अभी तो ये डेमो टीम है। ओके, अभी बहुत चेंजेस आएंगे दोस्तों, जो भी चेंज आएंगे वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल BK प्रोडक्शन पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो देखिए टीम कुछ इस तरह से नजर आ रही है, जे लिंक्स, जॉय डेनली, डी वेल डुरम, एफ एलन, दोनों तेज तर्रार खेलते हैं, जेट क्लर्वे, मोहम्मद नबी, मार्क वुड, इमरान ताहिर और इमरान, क्रिस बॉक्स, ये मैंने तीन बॉलर लिए हैं, नबी, मोइन अली एंड लिविंगस्टोन, ये मैंने थ्री ऑलराउंडर्स लिए हैं, और फोर बैट्समैन तो हमारे आपको बता ही दिए हैं, क्लर्वे, जे डेनली, एफ एल एन, डी वेल एंड जे लिंक्स हमारे विकेट कीपर रहेंगे। तो ये कुछ हमारी मिलती जुलती टीम बनी है,
कप्तान मैंने लिया है यहाँ पर लिविंगस्टोन लियाम लिविंगस्टोन, वाइस कप्तान मोइन अली। सो अभी से ये डेमो टीम है दोस्तों, इसे सेव करके रख लीजिए। ओके, जो भी फाइनल अपडेट होगी हमारे पास वो आपको मिलेगी हमारे इस टेलीग्राम चैनल वीके प्रेडिक्शन में। लिंक ज्वाइन कर लीजिए, लिंक के थ्रू डिस्क्रिप्शन में है। और अगर लिंक के थ्रू नहीं ज्वाइन हो पा रहा है तो इसे डायरेक्ट सर्च कीजिए टेलीग्राम पर वीके प्रेडिक्शन और हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए। ओके, सो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, जिससे लेटेस्ट ताज़ा अपडेट आने वाले प्रत्येक मैच की आपको मिलती रहे। और साथ ही में टेलीग्राम चैनल वीके प्रेडिक्शन को ज्वाइन करना बिल्कुल भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।